एमएसपी को लेकर देश का किसान फिर आक्रोशित है। एक ओर जहां पंजाब के किसानों के दिल्ली कूद से पंजाब, हरियाणा और दिल्ली की सरकार टेंशन में आ गई है, तो दूसरी ओर किसानों के ग्रामीण भारत बंद ने सरकार के खिलाफ कई मुश्किलें खड़ी कर दी है। किसानों के इस भारी प्रदर्शन के बीच एक दुखद खबर भी सामने आई है। पंजाब और हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर किसानों के आंदोलन में शामिल एक बुजुर्ग किसान की मौत हो गई। बता दें कि दिल का दौरा पड़ने के बाद शुक्रवार 16 फरवरी को बुजुर्ग किसान ने दम तोड़ दिया। मृतक किसान की पहचान 63 साल के ज्ञान सिंह के रूप में हुई है, जो पंजाब के गुरदासपुर के रहने वाले थे। ज्ञान सिंह किसान मजदूर संघर्ष समिति के सदस्य थे। बताया जा रहा है कि प्रदर्शन के दौरान रात को उन्हें ठंड लग गई थी, जिसके बाद उनकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि ज्ञान सिंह को सुबह 4 बजे स्थानीय अस्पताल में ले जाया गया, जहां से उन्हें पटियाला के गवर्नमेंट अस्पताल में ट्रांसफर कर दिया गया था। यहां उनका इमरजेंसी वार्ड में इलाज चल रहा था। डॉक्टरों ने उनकी जान बचाने की पूरी कोशिश की, हालांकि उन्होंने 1.5 घंटे तक चले इलाज के बाद दम तोड़ दिया। पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर चल रहे किसानों के प्रदर्शन में ये किसी किसान की पहली मौत है। किसान की मौत को लेकर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने भी दुख जताया और सोशल साइट एक्स पर किसान की मौत का हिसाब मांगा। अखिलेश यादव ने लिखा कि शंभू बॉर्डर पर प्रदर्शनकारी गुरदासपुर के सरदार ज्ञान सिंह की मौत बेहद दुखद समाचार है। श्रद्धांजलि। सुप्रीम कोर्ट भाजपा से इलेक्टोरल बॉन्ड के साथ साथ किसान आंदोलनों में हुई किसानों की मौत का हिसाब भी मांगे। जीवन देने वाले का जीवन लेने वाले लोगों का अब अंत समय आ गया है। गौरतलब है कि एमएसपी गारंटी कानून और कर्ज माफी समेत 12 मांगों को लेकर किसान दिल्ली जाने की जिद पर अड़े हैं, लेकिन सुरक्षा बलों ने किसानों को 13 फरवरी को ही उनके लाव लश्कर के साथ पंजाब और हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर ही रोक लिया है। इस दौरान दोनों के बीच भीषण टकराव भी देखने को मिला। तभी से किसान शंभू बॉर्डर पर डटे हुए हैं। शंभू बॉर्डर पर सुरक्षा बल लगातार आंसू गैस के गोले छोड़ रही है, जिससे किसान थोड़ी देर तितर बितर तो होते हैं, लेकिन फिर एकजुट होकर दिल्ली जाने की जिद पर अड़ जाते हैं। वहीं दूसरी ओर किसान नेताओं और केंद्रीय मंत्रियों के बीच बैठकों का दौर भी जारी है। हालांकि 3 दौर की वार्ता के बाद भी दोनों के बीच कोई सहमति नहीं बन पाई है। ऐसे में इस आंदोलन में किसी किसान की पहली मौत से ये आंदोलन और आक्रोशित होता दिख रहा है। अब देखना है कि चुनावी माहौल में सरकार कैसे इस हालात को काबू करती है।